जैसा कि विदित है कि सन 1940 में सुभाष चंद्र बोस जिन जो मेरे पिताजी उनके सानिध्य में काम किया करते थे, सुभाष चंद्र बोस का आगमन गाजीपुर जनपद में हुआ था और मैं उस सौभाग्यशाली परिवार का पुत्र हूँ जिस परिवार में उन्होंने अपना पूरा समय गुजारा था उस दिन का, और मेरे ही निवास पे उनको दिन भर रहना भी था और मेरे पिताजी लगातार उनके सानिध्य में थे। इसलिए और इस राष्ट्र के लिए सुभाष बाबू जी के योगदान को याद करने के लिए हर साल उनकी जयंती पे हम कुछ मित्र मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और आज उसी परिप्रेक्ष्य में इस आयोजन को किया गया है कि राष्ट्र की प्रेरणा के लिए ये राष्ट्र प्रेरक बन के हमेशा हम समूह के बीच में रहें और इस क्रम को हम सदैव जारी रखें ताकि इसी माध्यम से इनकी प्रेरणा हमेशा बनी रहे। कहा जाता है कि सुभाष बाबू जो है गुमनाम जिंदगी हो गए थे, इसको लेके क्या कहेंगे? कुछ लोग अपने जीवन में गुमनाम कहे जा सकते हैं लेकिन किसी के कहने से कोई गुमनाम नहीं होता। सुभाष नाम ही ऐसा है जो कभी गुमनामी की जंजीरों में बांधा नहीं जा सकता। जिंदा या मुर्दा तो हर इंसान अपने जीवन में होता है लेकिन कुछ लोग अजर और अमर हो जाते हैं। सुभाष बाबू जिंदगी भर कभी गुमनाम हो ही नहीं सकते। अगर कोई ये कहता है तो ये गलत है। वो हमारे दिल में है, इस राष्ट्र के जहान में है और हमेशा रहेंगे। अभी आपने एक चीज़ कही थी संबोधन में कि इनको छला गया कि देश ने छला, ये क्या? जैसा कि आज इस राष्ट्र ने निर्णय लिया है कि उनका प्रतिमा बनेगी, आज से 26 दिन जनवरी का कार्यक्रम आज से शुरू किया जाएगा वरना 24 से शुरू किया जाता है। ये सब क्यों हुआ? ये राष्ट्र की आज़ादी के साथ ही क्यों नहीं हुआ? सुभाष चंद्र बोस उस समय क्या इस देश के लिए प्रासंगिक नहीं थे? आज प्रासंगिक हो गए। यही माना जाता है कि उनकी प्रासंगिकता को नगण्य कर दूसरे की प्रासंगिकता को हमारे ऊपर थोपने का कार्य किया गया। यह ठीक नहीं था, इस राष्ट्र के लिए भी ठीक नहीं था। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि छलने की बात इस राष्ट्र ने लगातार की राजनेताओं के माध्यम से, परंतु आज सब कुछ बदल चुका है। आज यहाँ का नौजवान हर सब कुछ समझ चुका है और आज हम फिर सुभाष जी की प्रेरणा से इस राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद।